वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु भाई। सुबह आ गए थे आज बोले कि भाई जो नमाज नहीं वो मेरे साथ नहीं, और बिल्कुल वीडियो नहीं, बिल्कुल यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जमशेद ब्लॉग। तो आप देख रहे हैं जमशेद ब्लॉग। अभी फिलहाल आप लोग को पता है कि मैं सिहाब भाई से मिलने के लिए निकला हूँ, और फिलहाल रात में ही आ गया था, मान रेस्टोरेंट में ठहरा था। और हमारे साथ जो है कि आसिफ भाई, MD आसिफ UP वाला। तो आप लोग तो जानते ही होंगे इनको, काफ़ी दिनों से यहीं सिहाब भाई के साथ वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? भाई आए हैं हमारे जमशेद भाई सिहाब भाई से मुलाकात करने के लिए। इनको मैं पहले भी बुलाया था, जब मैं आ रहा था यहाँ पर तभी भी इनको कहा था कि आइए हमारे साथ, चलिए सिहाब भाई से मुलाकात करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन उस टाइम कुछ काम वगैरह की वजह से ये नहीं आ पाए, लेकिन अभी आए हैं मुलाकात करने के लिए। क्योंकि सिहाब भाई अभी जहाँ रुके हैं बाघा बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से 15 किलोमीटर पीछे, बस कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई भी आए हैं मुलाकात करने, चलिए चलते हैं, पहले इनका मुलाकात करवाते हैं और बने रहें वीडियो में। और भाई के चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बंदा उतने दूर से आया है सिहाब भाई से मिलने के लिए। और आप सभी को सिहाब भाई का जब तक यहाँ रहेंगे अपडेट भी देते रहेंगे, तो बने रहें वीडियो में। चलिए मुलाकात पहले करते हैं सिहाब भाई से। इसी में सिहाब भाई जो कि लगभग 15 दिन से रुके हुए हैं, और दिखाते हैं आपको ले जाके और पास से। सफ़र आसान है, जल्दी पहुँच जाएँ अपने मक्का के लिए, जहाँ जा रहे हैं हज करने के लिए। और सब बढ़िया है, पढ़ाई करते हैं आप? कितने में काफ़ी है, पढ़ाई नहीं है, करते हैं। हम भी आ चुके हैं यहाँ आफिया किड्स स्कूल के पास, तो और बहुत से लोग आए हुए हैं मिलने के लिए दूर दूर से। तो आइए लेके चलते हैं और दिखाते हैं लोग से, और पूछते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसिफ भाई भी हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जो कि एक भाई साहब यहाँ हैं। कहाँ से आए आप सर? कोल्हापुर। ये कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सिहाब भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये कहना है कि वो हमारे लिए दुआ करें, हम उनके लिए दुआ करें। बेशक। तो काफ़ी अच्छा लगा आपको यहाँ आके, सुकून मिल रहा है कि आप मुलाकात हो जाएगी? हाँ, हाँ। मुलाकात होने के बाद दिखाते हैं चेहरे पे खुशी कैसा। अभी बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं आसिफ भाई के साथ, लोग शामिल होकर वीडियोस देख रहे हैं। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं शामली डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पड़ता है? यूपी से। तो भाई यूपी से आते हैं, भाई आपका नाम? आस मोहम्मद। तो क्या कहना चाहते हैं सिहाब भाई के लिए? दुआ के लिए बोलते हैं। चलिए फिर बने रहें आप भी। भाई आप कहाँ से आए हैं? जम्मू कश्मीर से आए हैं। आपका नाम? अंजार खान। अंजार खान। तो आप सिहाब भाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि उनका हज हो जाए, और खुशी हाली वो हमारे मुसलमान आगे बोल के आए, और हम उनसे फिर दोबारा मिले। आमीन आमीन। बेशक बेशक। तो यहाँ पे सारे लोग अभी आए हैं सुबह सुबह का, जो कि टाइम हो रहा है 9:30, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी वेट कर रहा हूँ। और ये दिखाते हैं हम आपको, जो कि सिहाब भाई अभी अंदर हैं, तो लेके चलते हैं अभी। तो अंदर जाना अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद रही जाना परमिशन मिलेगा सबको अंदर जाने के लिए। सिहाब भाई से मिलने का टाइमिंग 9 से 10 बजे तक है, और शाम को जो है 4 से 5 बजे तक, या 6 से 6:30 बजे तक ले। और भाई साहब यहाँ पे हैं, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं। भाई साहब कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पर आए हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करके तकरीबन 28 किलोमीटर रनिंग ट्रेन से करके आए हैं। अच्छा, 2800 किलोमीटर। 2800 किलोमीटर ये ट्रेन से सफ़र करके आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। आज सुबह आए हैं? जी आज सुबह में आए। सुबह आए। आपका नाम? जी मेरा बाबा जान किशन मानगांवकर, आजरा से। अच्छा, महाराष्ट्र। तो आप सिहाब भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? सिहाब भाई के लिए इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि सिहाब भाई का सफ़र और सिहाब भाई का वीज़ा जो है जल्द से जल्द मिल जाए, और उनका सफ़र जो है इसके आगे बिल्कुल आसानी से अल्लाह ताला उनको मक्का मुकर्रमा तक पहुँचाए, और अच्छी तरीके से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, और पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे आलम के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और सिहाब भाई भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। और हमारा जो कुछ भी यहाँ तक पहुँचने का, उनकी मोहब्बत यहाँ तक हमारे को लेकर आई, कहाँ पंजाब और कहाँ हमारा महाराष्ट्र कोल्हापुर, मगर इसी एतबार से उनकी मोहब्बत में हम बेकरार होकर यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आ गए। तो काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ हमारे बारे में कहना चाहते हैं आप? जी जो भी चैनल वाले हैं, हर चैनल
अच्छी तरीके से न्यूज़ देते हैं और यही लोकेशन पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आफिया स्कूल तक, आजरा से लेकर हमारे गांव से लेकर यहाँ तक आफिया स्कूल तक हम चैनल देखते देखते मोबाइल से यानी कि चैनल देखते देखते यहाँ तक लोकेशन देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए दो आदमी। तो भाई ने वीडियोस देख के ही, जो कि यहाँ पे दो तीन बंदे ऐसे हैं जो कि प्रॉपर एक महीने से लोकेशन दे रहे हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ बता रहे हैं, बाकी जो घर पे यूट्यूबर बैठे हैं वो तो सिर्फ एडिट करके फेक न्यूज़ ही अपडेट कर रहे हैं, कभी सियाब भाई को पाकिस्तान पहुँचा दे रहे हैं, कभी उसके अंदर चलने को बता रहे हैं, तो बिल्कुल सब फेक न्यूज़ है। जो कि यहाँ से तीन ही चार ऐसे चैनल हैं जो कि पूरा मालूम दे रहा है और अच्छी अपडेट दे रहा है, बिल्कुल सच। अभी फ़िलहाल मैं भी आया हूँ सुबह भी, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं सिया भाई से मुलाकात हो पाती है कि नहीं। एक शेर तो एक शेर भाई कह रहे हैं हमारे लिए, शेर है इरशाद। चलते चलते पसीना आ गया मगर गर्दन उठाकर देखा तो मदीना आ गया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर इन्होंने पेश किया सिहाब भाई के लिए और हमारे लिए भी, तो काफ़ी अच्छा शेर इन्होंने पेश किया है। तो आइए देखे चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। मिलके काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ जा रहे हैं सिया भाई और फ़ोटो वगैरह हमने शूट करवा लिया है, अब यहाँ से निकलता है। काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और हमारे साथ दिल्ली से भाई जुड़े हैं, भाई अपना नाम बता दीजिए। फरहान मिर्ज़ा, इनका भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल नाम बता दीजिए अपना। फरहान मिर्ज़ा 06। तो सारे लोग मिले, भारी भारी फ़ोटो लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और जो कि 5-6 यूट्यूबरों हैं, जो 3-4 यूट्यूबरों हैं, इनका अंदर जाना अलाउ नहीं है। और एम कासिम भाई भी और उसी में शामिल है जो कि अंदर गए थे, बट इनको वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि सियाब भाई लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि नमाज के सिलसिले से सब लोग 2-3-4 यूट्यूबर्स हैं और सुबह तो आज पकड़े गए थे कि आप सोते वक्त सियाब भाई आ गए थे, सुबह आ गए थे आज, बोले कि भाई जो नमाज नहीं वो मेरे साथ नहीं, और बिल्कुल वीडियो नहीं, बिल्कुल यूट्यूब चैनल नहीं। सियाब भाई जब भी कहीं भी मिलते उनका सबसे पहले एक ही पैगाम होता है कि नमाज पढ़िए, नमाज मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी काम है नमाज के बगैर वो सब बेकार है, क्योंकि आदमी अगर मर के जाता है तो उनका सबसे पहले नमाज के लिए पूछा जाता है। तो आप सभी देखने वालों से भी मैं कहूँ, हमसे भी गलती हो गया, हम भी नमाज कायम करेंगे, और आप सभी देखने वालों को मैं कहूँगा कि आप भी नमाज पढ़िए, सभी लोग नमाज पढ़िए, नमाज के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, यही पैगाम हमेशा सियाब भाई का रहता है। तो अभी सियाब भाई से मिल के चले आए, और जमशेद भाई जो आए थे सियाब भाई से मिलने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सियाब भाई से मुलाकात हो गया, और सबसे पहले तो सुबह ही में ही मुलाकात, चेहरे का दीदार हो गया, सुबह सुबह अगर नींद उठा तो सियाब भाई दिखे हम लोग, खुला सीधा सियाब भाई सामने दिखे, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, बने रहे आप सभी लोग। तो गाइस इसी तरह हम आप लोगों को नए नए अपडेट देते रहेंगे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के अकाउंट में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आगे का भी अपडेट चाहिए तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा आगे का। और ये हमारे पीछे दिख रहा है आफिया किड्स स्कूल, जिसमें सियाब भाई रुके हुए हैं, और चलते हैं फिर उसके बाद किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग का वेलकम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।